हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप सुथार आपका स्वागत करता हूँ डीएस ट्रेडिंग टेक चैनल्स में। यहाँ पर मैं बहुत सारे ना शेयर्स होते हैं जो डेली रूटीन्स पे सारे कुछ शेयर्स न्यूज ये सारी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। और उसके साथ एक बात बोलूँ, क्या आपको ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शेयर्स भी मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ। तो आप इस चैनल पर अगर नया आए हो तो प्लीज ना सब्सक्राइब दिस चैनल। आज अभी हम लोग जो है ना करने वाले हैं बात, वो बात करने हैं वाले हम लोग एरोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आज हम लोग इस चीज की बात करने वाले हैं, ये जो मार्केट में एक नया आईपीओ चल रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक है। तो फिर ये चीज को भी हम लोग शुरू करते हैं कि ये वाकई में अभी ना करने लायक है यहाँ पर है ना, आईपीओ में क्या करे क्या नहीं, इसे ले या ना ले। तो अभी इसकी शुरुआत करते हैं। तो नाउ अगर इनकॉर्पोरेट देखा जाए तो 1993 में हो चुका इस कंपनी का रेट हो गया था। और अभी इसका अगर देखा जाए तो है ना, एज पर अगर ना कंपनी के हिसाब से, तो फिर है ना आप देखोगे तो है ना ये कंपनी ऑलरेडी है ना पहले इसके नाम से ना सुयोग इंटरमीडियरी का नाम से ना इस कंपनी को पहले जाना जाता था। तो अभी अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग का एंड सप्लाई ना देखा जाए तो इस तरफ का इसका जो बिजनेस है, ये मेटेलिक है ना फ्लेक्सी फ्लो करके भी इनके बिजनेस होते हैं। अभी इस बिजनेस में क्या क्या है, अभी इनका प्रोडक्ट देखा जाए तो अभी ये जैसे ना ब्रेडेड हाउस हुआ, अनब्रेडेड हाउस है ना, सोलर हाउसेस हुए, ये सारी चीजें ना ये इनका ना मेनली ये बिजनेस है वो है। अगर आपको ये चीज अगर समझ में नहीं आई, जैसे अगर मुझे भी लगा रहेगा कि स्टार्टिंग में क्या चीजें हैं, तो फिर ये चीजें मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज है क्या एग्जैक्टली। अभी देखा जाए तो ये जो भी प्रोडक्ट मैंने आपके सामने ये जो सारा कहते हैं एग्जॉस्ट गैस, इरेक्शन ट्यूब, एक्सपांशन पिलो, ये चीज क्या है। तो अगर आप है ना ये जैसे ये देखो कुछ है ना देखा चल जाएगा, तो जैसे ये इससे समझ में आता है कि ये ना जैसे ये कुछ पाइप्स बनाने की जो है, जैसे कि ना ज्यादा करके प्लम्बिंग काम में होता है। तो फिर मतलब हार्डवेयर की जो ना हम शॉप पे कोई सामान खरीदते हैं, पाइप नल ये वाले से सारी चीजें, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीजें बनाती है। अभी कंपनी अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कितने 1700 प्रोडक्ट मतलब है ना पूरा बना के रखी हुई, 1700 प्रोडक्ट बोले तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा है उस हिसाब से देखा जाए तो, मतलब है ना कंपनी को वेल गुड है। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी का अभी कहाँ ये लोकेटेड है, तलोजा में लोकेटेड है और नवी मुंबई में महाराष्ट्र में ये कंपनी को ऑलरेडी ये वहां पर भी है यहाँ पर। तो फिर अभी यहाँ तक भी ना काफी अच्छा है कि चलो ठीक है यार, ओके बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ना। अभी अगर इसके पास अगर देखा जाए तो बहुत सारे जैसे आईएसओ के ना सर्टिफिकेट्स भी ना बना के कंपनी ने रखा है हर एक चीज के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए कहीं कोई टेंशन नहीं, सारे स्टेट्स में ना अगर देखा जाए तो फिर उन लोग ने अपने सारे बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए सारी चीजें उन्होंने प्रॉपरली बनाई है। यानी कि ना अगर आप ना लाइसेंस वाइज भी देखा जाए तो कंपनी को इश्यू नहीं, यानी कि कंपनी हर मामले में सारी चीजें शेयर की है, उस हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा है। और अभी देखा जाए तो ना कंपनी का जो है ना लैक्स का जो टोटल रेवेन्यू अभी ना जैसे कंपनी बता रही है कि भाई ना कंपनी को अभी तक का जो रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इस टाइम में सबसे बड़ा रिकॉर्ड्स, अच्छा खासा रिकॉर्ड्स कंपनी ने यहाँ पे तैयार किया, जैसे ना 2694 लैक्स का, तो काफी अच्छा बिजनेस रहा है कंपनी का, बहुत ठीक। ना अभी ना देखा जाए तो अभी ये आईपीओ की डेट ऑलरेडी ना देखा जाए तो अभी ये आईपीओ ना आज शुरू हो चुका था। तो मैंने इसके ना पहले एनालाइज नहीं किया थी, क्योंकि अगर पहले एनालाइज करता तो शायद आपको कुछ चीजें होती जो मैं आपको बता नहीं पाता था। तो अगर ये जैसे 22 को शुरू हुआ है तो मेरा क्या मकसद था कि मैंने आपको 2 दिन पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले दिन अगर जब मार्केट में कितने लोग उस शेयर्स को मतलब इंटरेस्टेड रखते हैं, कौन लोगों को खरीदने में इंटरेस्टेड रखते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसा गया, ये सारी चीजें पता चलने के लिए मैंने आपके लिए ये चीज सरप्राइज रखी थी, इसके लिए आपको मैंने पहले नहीं बताया। और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ध्यान देना आप, है ना ये जो फेस वैल्यू है ना इसका 2 रुपए का फेस वैल्यू है। अगर मोस्टली शेयर्स के फेस वैल्यू 10 रुपए होते तो आप है ना इसके भरोसे नहीं चलना, 2 रुपए का फेस वैल्यू है, 102 रुपए, 108 रुपए का शेयर है, अच्छा खासा है। अगर यही अगर शेयर्स का अगर है ना मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू होता तो 1000 रुपया इसका कहीं ना इसका वैल्यूशन कहीं चल जाता। तो अभी लॉट साइज में अगर आप एक लॉट में आपको 130 शेयर मिलेंगे और कंपनी कितना है ना इशू कर रही है, कंपनी है ना आराम से ना इतने शेयर्स अच्छे से इशू कर रही है, तो ये वेल एंड गुड है कि आपको कम से कम है ना 3 करोड़ 25 लाख का शेयर्स है ना इशू कर रही है। और उसके अंदर वो कितना रुपया मतलब है ना उसको चाहिए, तो 351 करोड़ रुपया कंपनी मतलब है ना मार्केट से डिमांड कर रही है। नाउ अभी हम लोग आगे अगर देखा जाए तो अभी ना कंपनी की जो ना आईपीओ का जो ओपन डेट है वो 22 से लेकर है ना लास्ट है ना 24 अगस्त तक यहाँ पे डेट है, और है ना जो अलॉटमेंट की डेट है वो 29 की है। और उसके बाद अगर आपको मान लो आईपीओ लगा या फिर नहीं लगा तो फिर वो उस केस में ना 30 की तारीख को आपको ना रिफंड हो जाएगा, ओके। और अगर आपके शेयर्स में अगर ये कितने 31 अगस्त तक
शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में भी लिस्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ तक है ना चीज़ें बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन सारी चीज़ें कर दी गई हैं। नाउ अभी हम लोग है ना क्या करने वाले हैं, अभी इसके अंदर और चीज़ें, अभी देखो अभी ये जैसे अगर भी इसके अंदर एक आप है ना सबसे बड़ा ये ध्यान देना कि ये पूरा शेयर जैसे है ना इतना 351 करोड़ में से क्या है, कम से कम 162 करोड़ तो फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू है। और है ना ऑफर फॉर सेल, अब ऑफर फॉर सेल में कितना है 189। अब ये दोनों चीजें क्या है कि कंपनी ने क्या किया कि ना पहले उससे ना फंड की जरूरत थी, उसने 351 करोड़ का फंड तैयार करने की कोशिश की ना, उसके बाद फिर कंपनी ने क्या क्या किया उसके अंदर, तो अभी जो लोगों ने क्या सोचा है जो उसके अंदर पहले से इन्वेस्टेड करके रखे वो लोग अपना माल बेच रहे हैं और बेच के निकल रहे हैं, यानी कि वो चीज हो गई ऑफर फॉर सेल। अब वो कितने का हो गया 189, और जो फ्रेश तैयार कर रहे थे मतलब जो नया जो है वो इतना 162 करोड़ के आसपास, यानी कि सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो कंपनी की सबसे स्पेशल जो लिस्टिंग डेट है जिसे लिस्ट हो जाएगा वो 1 सितंबर की डेट है, कभी कभार डेट आगे पीछे होती रहती है, तो आप है ना ऐसा मत समझ लीजिए कभी किसी टाइम पे अगर नहीं हुआ तो आप डर मत जाना यार क्या हुआ करके। ओके ये सारी चीजें कभी कभार मार्केट में चलती रहती है ना। अभी है ना इसके साथ में अभी देखा जाए तो कंपनी है ना जो लिस्टिंग हो रही है वो कंपनी NSE पे भी लिस्टिंग होगी और BSE में भी, दोनों जगह आपको शेयर्स लिस्टिंग होने वाली और कोई टेंशन नहीं। और अभी देखा जाए तो कंपनी के पास पहले अभी तक होल्डिंग इतना मतलब है ना होल्डिंग आराम से कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, और भी जब जब वो होल्डिंग दे देगी शेयर मतलब है ना लोगों को इशू कर देगी उसके बाद होल्डिंग इतनी होल्डिंग बचेगी। ओके यहाँ तक आपके ना सारे ना डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए तो अगर है ना अभी कितना है, अगर कोई भी एक रिटेलर है मतलब हमारे जैसे आप लोग जो हम लोग क्या करते हैं एक लॉट से लेकर हम लोग हमको 14 लॉट तक हम लोगों को ना इतनी लिमिट दी गई है कि हम लोग इतनी लिमिट ही ले सकते इससे ज्यादा नहीं, तो अगर एक लॉट में कितने शेयर आते हैं, एक लॉट में 130 शेयर आते हैं ना, आपको अगर 14 की लिमिट मिली तो आप है ना 1480 शेयर्स मिल सकते हैं। एक लॉट की प्राइस होगी वो 14,040 रुपया होगी, एंड है ना अगर 14 लॉट ले रहे हो तो वो 1,96,000 रुपीज का होगा। HNI में भी मिनिमम एंड मैक्सिमम का क्राइटेरिया यहाँ पर भी दिया गया है, तो अगर है ना मिनिमम अगर कोई HNI क्लाइंट है तो वो उनको 15 लॉट मिलेंगे, और अगर वो मैक्सिमम ऑर्डर करा तो 71 लैक्स, और अगर है ना अभी जैसे कुछ HNI है तो वो उनको कुछ है ना 72 के लिए ये थोड़े स्पेशल कैरेक्टर्स में थोड़े आ जाते, तो फिर है ना ये उन लोगों के लिए है ना। यहाँ तक आपके ना क्लियर्स। अभी यहाँ पर आगे क्या करने वाली है कंपनी के अंदर, ये तो सब ठीक है, चलो ये तो कंपनी का अच्छा है कि जो आ रहा है जा रहा है, अभी इसके अंदर क्या होने वाला है। अभी इसके अंदर सबसे बड़ी बात अभी जो शेयर्स मिलने वाले हैं उस शेयर्स में अगर देखा जाए तो इस बार खुशी की बात ये कि रिटेल को कितना ऑफर कर रही है, 35%, 35% इस बार शेयर है ना पब्लिक को मिलने वाले, इस बार डायरेक्ट कंपनी और HNI को बहुत कम। अभी HNI को कितना मिलने वाला है, 15% मिलेगा, QIB को कितना मिलेगा, 19% मिलेगा, और कुछ एंकर इन्वेस्टर है उनको 29% जाएगा। तो फिर है ना इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ना अब 35% पब्लिक को मिलेगा, यानी कि पब्लिक को शेयर्स मिलने के चांस ज्यादा है, एक ये बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है। अगर है ना आपको अगर है ना पता हो कि मोस्टली जल्दी से पब्लिक के हाथ शेयर नहीं लगते, तो अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं फिलहाल अभी ना अगर आप ना कंपनी का अगर बिजनेस देखे तो ना कंपनी का बिजनेस अगर आप ना देखा जाए तो है ना ये जैसे ना 31 मार्च हुआ, फिर के ये 20, 21, 22, 23 में है, तो यहाँ पर अभी 20 में अभी असेट देखा जाए तो 157, 161 और है ना 213 मतलब असेट अच्छा है। रेवेन्यू पार्ट भी देखा जाए तो 144 से लेकर है ना 269 तक काफी अच्छा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखा जाए तो ना 4 करोड़ से लेकर है ना आज है ना ये 4 सालों में 30 करोड़ तक पहुंच गया है। नेटवर्क भी काफी अच्छा है यहाँ पर, कंपनी का सारा बिजनेस देखा जाए तो ना चारों तरफ से काफी अच्छा सा बिजनेस कंपनी ने किया है यहाँ पर। और अभी अगर उसके सामने अगर आप अगर लोन देखो तो ना टोटल बोरिंग्स कितनी है, कुछ 45 करोड़ के आसपास लोन है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ये सारी चीजें सही है, लेकिन अब हमको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे ये सबसे बड़ी बात है, तो उसके लिए भी आपको फिलहाल क्या करना है नाउ अभी उसके लिए कि वो कैसे होगा, तो अभी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा GMP। तो अभी ये क्या होगा, ये क्या है प्री मार्केट प्रीमियम, कि मार्केट से हमको प्रीमियम कितना मिल रहा है वो चीजें आपको देखनी होगी। तो अभी फिलहाल अगर आज का अगर ना मार्केट प्रीमियम देखो तो आज का प्रीमियम आपको कितना मिलेगा, 60 रुपया प्रीमियम मिल रहा है, इस हिसाब से आपके लिए ये बहुत बेस्ट है। देखा जाए तो 50% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि बेस्ट है, यहाँ पर आप अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू कर सकते हो, यानी कि कंपनी देखा जाए तो मेरे तरफ से अच्छा है, तो
तो अपना यस कर सकते हो उसके अंदर। तो फिर मेरी तरफ से यस है इस शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल को, और फिर हम लोग मिलते हैं इसी वीडियो में, नए वीडियो के साथ। कुछ और प्लान्स करेंगे, कुछ और नई